दुश्मन भी जहां दिखा टुकड़े हजार करते थे। बड़े भारत माता की। देखिए शेरों की तरह जयकार लगाए, इसे बकरियों की तरह क्या लगा रहे हैं। बड़े महाराणा प्रताप की जय। जय श्री राम। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे, जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। भारत में फिर से हम भगवा लहराएंगे। हिंदू नव वर्ष है और अग्रिम बधाई आप लोगों को देती हूं मेरे देश के हिंदुओं को कि वीर प्रताप का गूंज उठा वो नारा है, वीर शिवा प्रताप का गूंज उठा वो नारा है। गर्व से कहो हम हिंदू है, हिंदुस्तान 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 हमारा है। मुझे ये बताएं, लगभग रोज कार्यक्रम चलते हर एक मंच के ऊपर मैं कहती हूं, मुझे बताएं द कश्मीर फाइल किन किन लोगों ने देखी? हमारी माताएं बहनों ने देखी नहीं, इनका दुर्भाग्य है। मेरे देश के शेरों, मेरे देश के हिंदू भाई बहनों, में आप लोगों से निवेदन करती हूं कि द कश्मीर फाइल आप लोगों को जरूर देखनी है, क्योंकि वो एक शारदा की कहानी नहीं, हिंदुस्तान की हर लड़की की शारदा की कहानी है ये। क्योंकि अब तक सच्चाई हमसे जो छुपाई गई, क्योंकि देखिए मैं, हमारे संत महात्मा मंच के ऊपर बैठे हैं, मैं आप लोगों को बताऊं, लगभग 10 दिन पहले मेरे कश्मीर से कटरा से फोन आया एक महिला का। वो पंडित थी, कश्मीरी पंडित थी। उसने मेरे से एक घंटे बाद की और आधे घंटे मैं रोई हूं उसकी दर्दनाक कहानी सुनकर। तो मैं चाहती हूं कौन कौन मेरे साथ है, इस देश के साथ कौन कौन है। अयोध्या भी सजाती है, काशी भी सजाती। अरे तालियां बजाओ। घर में घुसकर मारा है कब्र तेरी खोदी और दिल्ली के गद्दी पे बैठा बाप तुम्हारा मोदी है। मेरी श्याम कृपा, देखिए अयोध्या भी सजा दी, काशी भी सजा दी, मेरे राम कृपा, ये झंडा मुझे दे दीजिए। मेरे राम कृपा करना, मेरी श्याम कृपा करना, मेरी श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। मेरी श्याम कृपा करना, मथुरा भी सजा देंगे। जो राम को लाए हैं हम उनको लाएंगे। ये ताकत जो है ना, ये ताकत इस भगवे की है और आप लोग जैसे युवाओं की है। मैं चाहती हूं हिंदुस्तान में जो अपने आप को, इस मिट्टी को प्यार करता है, एक बार उठा ले अपने दोनों हाथ। भारत में फिर से हम, आप लोगों को बोलना है भगवा लहराएंगे।
भारत में फिर से हम। खुशाल जी, भारती जी महाराज, देख लीजिए, ये हमारी आज की पीढ़ी है, हमारे युवा हैं। इसके लिए अब मोदी जी को और योगी जी को कुछ नहीं करना है। एक सन्यासी को जब बिठा दिया जाए तो फिर देख लीजिए इस देश का क्या होने वाला है। नक्शे से पाकिस्तान ही निकल जाने वाला है। और मैं चाहूंगी भारत में फिर से हम, भारत में फिर से हम।